राहुल गांधी विदेश में, कई उनके बयान भी आ रहे हैं, उन्होंने आरएसएस को लेकर कल कुछ बातें कही थी, उस पर लगातार सवाल उठे। उन्होंने कहा कि आरएसएस कुछ सब ऐसी बातें करती है, किसी स्टेट में कुछ बातें करती है, किसी स्टेट में कुछ बातें करती है, रिलीजियस भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है। आरएसएस की आइडियोलॉजी तमिल, मराठी, बंगाली, मणिपुर, एक तरह से अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से बातें करती है। वो नहीं समझ सकते भारत क्या है, और बीजेपी भी ये बात नहीं समझ सकती कि देश क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर मैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं समझता हूँ, एक ही बात है, ये पार्टी का संचालन वो लोग करते हैं। परंतु मैं स्पष्ट कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती, आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी लोगों को तोड़ने का काम नहीं करती, आम आदमी पार्टी प्यार की बात करती है, आम आदमी पार्टी शिक्षा की बात करती है, आम आदमी पार्टी चिकित्सा की बात करती है, आम आदमी पार्टी रोजगार की बात करती है, बिजली की बात करती है, पानी की बात करती है। हम कभी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों का जो गठबंधन बना उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर आ गई, और ये सरकार बैसाखियों पर जो चल रही है उसकी बैसाखी कभी भी हट सकती है। हरियाणा में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ाई किसके साथ आप मानते हैं अपनी सीधी लड़ाई? भारतीय जनता पार्टी तो मैदान से आउट, अभी चुनाव मुझे लगता है सीधा सीधा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के अंदर होगा, क्योंकि बाकी पार्टियों का अस्तित्व हरियाणा से खत्म हो चुका है। हरियाणा की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी का जाना सुनिश्चित है।